brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमारी मौजूदगी इस वक्त केंद्रीय कार्यालय पर है, जो कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय रायबरेली का। आप देख सकते हैं यहाँ पर हुजूम, तमाम कार्यकर्ता जुटने लगे हैं यहाँ पर। और एक तरफ जहाँ युवा कार्यकर्ता हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर आई हैं राहुल गांधी के नामांकन में शामिल होने के लिए। इनसे हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? मैं डॉक्टर ऋचा शर्मा कौशिक हूँ। मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ में वाइस चेयरमैन हूँ, महिला कांग्रेस में अभी ज्वाइन कर रखा है। हम लखनऊ से आए हैं, हम ही सब महिलाएं राहुल जी के नामांकन में उनका जोश खरोश से उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। कितना उत्साह है, बहुत सस्पेंस था कि कौन लड़ेगा अमेठी से, रायबरेली से। फाइनली आज सुबह जो है ये खबर आई कि राहुल जी लड़ेंगे, तो कितना एक्साइटमेंट है, कितना उत्साह है? उत्साह की कोई सीमा नहीं है। हमको मालूम था पहले से ही, क्योंकि उनका घर है, वो छोड़ेंगे नहीं। बस ये था कि वो शायद अमेठी जाएं, लेकिन रायबरेली आए हैं, तो हमें इसकी और ज्यादा खुशी है कि हमारे घर से हम उनको जीत का सहरा बांध के भेजेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए? मिश्रा, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से हूँ और यहाँ राहुल गांधी जी के नामांकन में हम लोग सब शामिल होने के लिए आए हैं। सुषमा जी, राहुल तो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? प्रियंका जी का चुनाव ना लड़ने का फैसला उनका अपना है और राहुल जी लड़ रहे हैं, हमारे लिए यही खुशी की बात है। अगर प्रियंका जी लड़ती तो और भी अच्छा होता, हम सब चाहते थे, लेकिन अगर वो नहीं चाहती हैं तो राहुल जी लड़ रहे हैं, हम लोग बस उनके साथ इस उसमें पूरे जोश के साथ शामिल होना चाहते हैं और चाहते हैं उत्तर प्रदेश में उनका जो जीत है उनके सिर पर। सर ये बताइए कि वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं राहुल और रायबरेली में, अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं तो फिर तो बड़ा धर्म संकट हो जाएगा। इसी बात है, हम सब चाहेंगे कि वो रायबरेली की सीट अपने पास रखें और वायनाड छोड़ दें। हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम तो यही चाहेंगे। आपका क्या नाम? मेहताब जायसी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लखनऊ। मेहताब जी, ये बताइए कि राहुल गांधी फाइनली चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग जो महिला विंग है आपकी, वो किस तरह से उत्साहित है? उत्साह तो इतना ज़्यादा है कि जब वोटिंग होगी तो उसके बाद आप लोग खुद ही देख लेंगे कि राहुल जी की जीत का क्या है। और जिस तरह से आपने ये क्वेश्चन पूछा कि वायनाड और रायबरेली दोनों में से किसको चुनेंगे, तो जब वो दोनों जगह से उनकी जीत हासिल होगी तो उससे खुद ब खुद आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि जनता कितनी ज़्यादा चाह रही कि कांग्रेस सीट यहाँ पर आए, कहीं से भी वे खड़े होते हैं। और एक क्वेश्चन आपका और था कि प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ रही हैं, तो प्रियंका जी नहीं भी लड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिट तो कर रही हैं अपने कांग्रेस को। एक जगह पे ये भी हो जाता है, कुछ बातों को नहीं कहना चाहिए कि परिवारवाद परिवारवाद बीजेपी बोलती रहती है कि अभी तुरंत आप लोग मीडिया के माध्यम से बताने लगते कि देखा रायबरेली प्रियंका को दे दिया, अमेठी राहुल को दे दिया, जनता कहाँ गई। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि जनता भी कहीं पर लड़े, जो बीजेपी ये मुद्दे को भुना भुना के कांग्रेस को और कांग्रेस वालों को कहीं से उनका मनोबल डाउन करती रहती है। मतलब आपका ये कहना है कि जो बीजेपी आरोप लगाती है परिवारवाद का, उसको उस आरोप को खारिज करने के लिए प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही है? खारिज नहीं, खारिज करने के लिए उनको ये भी समझना कि हमारी जनता क्या चाह रही है। कहीं पर अगर वो दोनों आ जाते हैं तो भी गलत है उनके लिए, नहीं आते हैं तो भी गलत है। इनका मामला है चित भी मेरी पट भी मेरी, तो वो चित और पट को अलग करने के लिए हमारी कांग्रेस जो अब की मंथन कर रही है, लास्ट टाइम तक इनके दिमाग को कंफ्यूजिंग में रखा गया, जनता को नहीं बीजेपी को कंफ्यूजिंग में रखा गया है कि बेटा आप कंफ्यूज रहो, अभी नाम करते हैं इनकी नजर बनी कहीं प्रियंका तो अमेठी से नहीं आ रही है, ऐसा ना फिर ना बदल जाएगी, राहुल तो नहीं आ रहे यहाँ से, तो इनकी कंफ्यूजन हमें तो लगता है हार तक बनी ही रहे तो बेहतर है। और जनता इतने ज्यादा वोटों से हराएगी कि ये अब उत्तर प्रदेश क्या यूपी में कहीं आ ही नहीं पाएंगे, ये रहेंगे कहाँ? हम लोगों को तो ये समझ नहीं आता कि ये रहेंगे कहाँ पर, न ये विदेश जा पाएंगे और न ये इंडिया में रह पाएंगे। अच्छा ये बताइए, मलाल है आप लोगों को कि प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही हैं? नहीं, हमारी शाइनिंग स्टार हैं, वो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं। अगर हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो शायद चुनाव में आती तो वो पूरे देश में नहीं घूम पाती, उनका एक दायरा हो जाता। हमें इस बात की खुशी है कि अगर उनको टिकट नहीं मिली है तो वो देश में हमारी स्टार कैंपेनर है और वो हमें जीत हासिल करके देंगी। तो देखा जा सकता है कि ये कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि राहुल चुनाव लड़ रहे हैं और भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि अंतिम समय तक स्ट्रेटजी के तहत इस सीट को फाइनल नहीं किया गया और अंतिम मौके पर इसको जो है फाइनल किया गया और प्रत्याशी घोषित किया गया। उदय गुप्ता, रायबरेली।